दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टीडीएस डिपॉजिट करने की लाइव रेट क्या होती है, टीडीएस रिटर्न फाइल करने की लाइव रेट क्या होती है। अगर आप टीडीएस टाइमली डिपॉजिट नहीं कराते तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, अगर आप अपनी टीडीएस की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते तो उसके ऊपर क्या लेट फीस लगती है, अगर आप टीडीएस टाइमली डिपॉजिट नहीं करते हैं और अपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते क्या उस पर इंटरेस्ट और लेट फीस के अलावा पेनल्टी भी चार्ज होती है। चलो दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीडीएस डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट क्या होती है। टीडीएस डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट हर महीने की 7 तारीख होती है, यानी कि जिस मंथ में आप टीडीएस डिडक्ट करते हो उसे अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपको टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है, बट मार्च के केस में आपको 30 अप्रैल तक कराना होता है। मार्च के केस में आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है और बाकी सभी मंथ में आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है टीडीएस डिपॉजिट कराने का जो आपने लास्ट मंथ में काटा है। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट का क्या रेट चार्ज किया जाता है अगर आप टीडीएस किसी का आपने डिडक्ट कर लिया है बट उसे टाइमली डिपॉजिट नहीं कराया तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके ऊपर आपको 1.50 यानी 1.5% पर मंथ और 18% एनुअली टीडीएस जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसे अगर आप टाइमली डिपॉजिट नहीं कराते तो आपको 18% एनुअली के हिसाब से उसे डिपॉजिट कराना। बात करते हैं कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वार्टर की अप्रैल से जून तो उसकी जो लास्ट डेट होती है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई होती है। सेकेंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर होता है उसकी जो लास्ट डेट होती है उसकी 31 अक्टूबर होती है। थर्ड क्वार्टर हमारा अक्टूबर से दिसंबर होता है जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी होती है और हमारा लास्ट क्वार्टर होता है फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च जिसकी डेट होती है 31 मई। यानी कि अगर आप इसमें देखोगे जब भी आपका क्वार्टर क्लोज होता है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको अपने रिटर्न फाइल करनी होती है, बट फोर्थ क्वार्टर के केस में आपको यहाँ पे 2 महीने का टाइम दिया जाता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हम अपनी टीडीएस की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते तो उसके ऊपर क्या लेट फीस चार्ज की जाएगी। अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते तो उसके ऊपर आपको 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ये पेनल्टी जो है पर रिटर्न के हिसाब से, यानी जैसे आपके दो रिटर्न अगर आपको फाइल करते हैं 24Q एंड 26Q, 24Q जो होती है वो सैलरी के लिए होती है और 26Q अदर देन सैलरी होती है। अगर आप उस दोनों रिटर्न आपने फाइल नहीं की तो आपके 400 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था कि क्या इंटरेस्ट और लेट फीस के अलावा आपको पेनल्टी भी चार्ज की जाती है अगर हम अपने टीडीएस टाइमली डिपॉजिट नहीं करते और टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते। यस, आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है जिस जो 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक हो सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।